हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। यहाँ पर जैसे वीडियो में टॉप 3 बेस्ट स्कूटर के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। इनमें से कोई एक आप स्कूटर 2024 में आराम से खरीद सकते हैं, क्योंकि जो तीन स्कूटर आपको बताने वाले हैं इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा बेची जाती है। हालांकि इन तीन के अलावा भी काफी सारे स्कूटर इंडियन मार्केट में बेचे जाते हैं जिनकी सेल्स अच्छी होती है, लेकिन टॉप 3 के अंदर यही तीन स्कूटर्स आते हैं। क्यों आते हैं उस वीडियो में आप देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को मैंने ज्यादा लंबा नहीं किया है, टॉप 10 टॉप 5 ये मैंने नहीं लेकर आया है। मैंने आपके लिए केवल तीन स्कूटर्स लेके आए हैं, जिससे कि आपके मन में ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो आपका ज्यादा समय ना रहते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। यहाँ पर मैंने जो तीसरे नंबर पर रखा है, जो तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बेची भी जाती है, वो है सुजुकी कंपनी की एक्सेस 125। अगर आप 125 सीसी में कोई स्कूटर खरीदने के लिए सोच रहे होंगे तो ऐसे में सुजुकी एक्सेस भी आपकी एक पसंद बन सकती है, लेकिन ये स्पोर्टियर सेगमेंट वाले लोगों के लिए नहीं है। अगर आपको स्पोर्टियर लुक वाली स्कूटर चाहिए तो ऐसे में आप डीओ 125 ले सकते हैं, एंटॉर्क 125 ले सकते हैं, लेकिन जो एक्सेस है इसकी बिक्री काफी अच्छी खासी होती है। इसमें आपको तीन वेरिएंट मिल जाता है, जिसमें स्टैंडर्ड, स्पेशल और आपको राइड कनेक्ट के साथ मिल जाएगी। बाकी इसमें 124 सीसी का इंजन लगा हुआ है, जो कि 8.7 पीएस का पावर 10 एनएम का टॉर्जन करती है। ओवरी 2 सेंसर के साथ ही आपको मिल जाएगी। इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में स्विंग आर्म सस्पेंशन लगा हुआ है। इसके फ्रंट में 12 इंच और रियर में 10 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। जिसके फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, ड्रम ब्रेक चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन रियर में ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। फीचर्स की अगर बात करें तो फीचर्स इसमें अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग फीचर्स मिल जाती है। इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा, एलईडी हेडलैम्प सेटअप के साथ डीआरएस भी देखने को मिल जाती है। इसमें आपको फुल्ली डिजिटल डिस्प्ले मिल जाएगा, जो कि इसके टॉप मॉडल में मिलेगा। बाकी बेस से आप स्पेशल एडिशन लेंगे तो वहाँ पे आपको डिजिटल एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिलती है। वहीं राइड कनेक्ट के साथ लेते हैं तो फुल डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, जो कि कनेक्टिविटी फीचर के साथ मिल जाती है। और इसके डिस्प्ले में एक चीज अच्छी है कि इसमें टर्न बाई टर्न नेविगेशन भी देखने को मिल जाता है, और भी जितने जरूरत के इन्फॉर्मेशन होते हैं वो सारे यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वह इसमें साइड सेंसर भी लगा हुआ है। 21.8 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जहाँ पे आप अपने हेलमेट को रख सकते हैं, हाफ फेस हेलमेट आराम से आ जाएगा। बाकी इसमें एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग दी गई है, जहाँ पे पीछे पेट्रोल भरवा सकते हैं। यूएसबी चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, जहाँ से स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। फ्रंट में ग्लोव बॉक्स दिया गया, जहाँ पे कुछ छोटे मोटे सामान रख सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाती है। माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है 50 का माइलेज, लेकिन ये मान के जा सकते हैं 45 का माइलेज आराम से मिल जाएगा। बाकी इसके जो सीट हाइट है 773 mm की है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5 लीटर तक दी गई है, और इसका जो कर्व वेट है 3 kg है। प्राइसिंग की बात करें तो अलग अलग वेरिएंट के साथ मिल जाती है, तो यहाँ पे एक्सोनो प्राइस में आपको बताऊंगा, जो कि दिल्ली का है। अलग अलग स्टेट में प्राइस थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। तो बेस मॉडल की जो प्राइस है 79,899 रुपीज से स्टार्ट होती है, जो टॉप मॉडल की प्राइस है 90,500 यानी कि 90,500 रुपए तक एक्सोनो प्राइस है। इसके एक्सोनो प्राइस में आप 12 से 15 हजार रुपए ऐड कर सकते हैं, जो कि आरटीओ इंश्योरेंस के पैसे होंगे, वो इसकी ऑनरोड प्राइस हो जाएगी। यानी कि एक्सेस खरीदने के लिए आपके पास 1 लाख का कम से कम बजट होना चाहिए तो आप इसको खरीद पाएंगे। जो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बेची जाती है स्कूटर, वो है टीवीएस कंपनी के जुपिटर। जुपिटर इतना ज्यादा क्यों बेचा जाता है, क्योंकि हमेशा से इसका एक्टिवा से टक्कर रहा है, और ऐसे में कंपनी जुपिटर में काफी सारे अलग अलग वेरिएंट 110 सीसी में देती है, और 125 सीसी में भी आपको ये मिल जाता है। तो 125 सीसी में आने के बाद इसकी सेल्स और भी थोड़ी सी बढ़ गई। ऐसे में आप 110 सीसी के साथ भी जा सकते हैं, 125 सीसी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन 110 सीसी में ज्यादा बिक्री होती है, क्योंकि वो थोड़ी सी बजट रेंज के अंदर आ जाती है। अगर आप लेते हैं 110 सीसी, इसमें 5 वेरिएंट मिल जाता है। क्लासिक वेरिएंट मिल जाता है, ZX मिल जाता है, ZX डिस्क मिल जाता है, स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ मिल जाता है, काफी सारे वेरिएंट मिल जाते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, लेकिन कोई भी वेरिएंट लेंगे 110 सीसी में सेम इंजन मिलेगा। 109.7 सीसी का फोर स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाती है, जो कि 7.88 पीएस का पावर 8.8 एनएम का टॉर्जन करती है। इसके फ्रंट और रियर में 12 इंच का टायर लगा हुआ है, जो कि ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। जिसके फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। फीचर्स इसमें काफी सारे मिल जाएंगे। अगर बेस मॉडल लेंगे या फिर कोई मॉडल लेंगे, एसबीटी यानी कि एसिक बैकिंग टेक्नोलॉजी मिल जाती है। एलईडी हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है, लेकिन बेस मॉडल लेंगे तो वहाँ पे एनालॉग मीटर मिलेगा। ZS लेंगे तो वहाँ पे डिजिटल एनालॉग मिलेगा, लेकिन क्लासिक लेंगे तो वहाँ पे भी एनालॉग मिल जाएगा। अगर आप स्मार्ट कनेक्ट के साथ लेंगे, जो नया मॉडल है, वहाँ पे आपको फुली डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि ये कनेक्टिविटी फीचर के साथ भी मिल जाती है, बेस मॉडल कनेक्टिविटी फीचर के साथ नहीं मिलेगी। तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाता है। सीट के नीचे 21 लीटर का स्पेस मिल जाता है, लेकिन 125 सीसी में लेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा बड़ा स्पेस देखने को मिल जाता है। एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग दी गई है, पीछे पेट्रोल भरवा सकते हैं। फ्रंट में ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, जहाँ पे छोटे मोटे सामान रख सकते हैं। यूएसबी चार्जिंग सॉकेट भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये सारे फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बाकी माइलेज की बात करें तो इसमें माइलेज थोड़ी सी बेहतर मिल जाती है। कंपनी तो 61 का माइलेज क्लेम करती है, लेकिन फिर भी आराम से 50 का माइलेज इसमें मिल जाएगा। बाकी इसके जो सीट हाइट है 765 mm की है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5 लीटर की है। इसका जो कर्व वेट है 109 kg है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो काफी सारे वेरिएंट मिल जाते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया है। सभी का आप एक्सट्रीम प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि 73,340 रुपीज से स्टार्ट होती है, और टॉप मॉडल की प्राइस 89,748 रुपीज यानी कि 89,748 रुपए तक इसकी एक्सट्रीम प्राइस जाती है। बाकी जो इसकी ऑनरोड प्राइस है वो 87,015 रुपए से स्टार्ट होती है, लगभग 105,050 रुपए तक जाती है।
तो यहाँ पे आपको काफी सारे अलग अलग वेरिएंट मिल जाते हैं। यानी कि अगर आपका बजट 90,000 का है, 1,00,000 का है, 1,05,000 का है, तो भी आपको जुपिटर का कोई ना कोई वेरिएंट मिल जाएगा। आप यहाँ पे प्राइस लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। वहीं जो पहले नंबर पे स्कूटर है, इस स्कूटर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी ने गेस भी कर लिया होगा, जो कि होंडा कंपनी की एक्टिवा है। और एक्टिवा एक ऐसी स्कूटर है जो कि कम फीचर के साथ आने के बावजूद भी इंडियन मार्केट में हर महीने सबसे ज्यादा बेची जाती है। हालांकि ये हीरो स्प्लेंडर को भी पीछे कर देती है सेलिंग्स के मामले में। इसमें आपको स्पेशल एडिशन मिल जाता है, स्टैंडर्ड मॉडल मिल जाता है, डिलक्स मॉडल मिल जाता है, अलग अलग कलर ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बहुत ही सिंपल से लुक के साथ आती है, कम फीचर्स के साथ आती है, इसीलिए लोग इसे ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं। बिल्ड क्वालिटी इसकी थोड़ी सी बेहतर आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही इसमें 109.51 सीसी का फोर स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाता है, जो कि 7.84 पीएस का पावर और 8.90 एनएम का टॉर्जन करती है। हालांकि अगर आप एच स्मार्ट वेरिएंट लेंगे तो वहाँ पे किक स्टार्टर हटा दिया गया है, तो ये आपको थोड़ा सा अंतर मिल जाता है। बाकी इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन लगा हुआ है, टायर्स है जिसके फ्रंट में 12 इंच और रियर में 10 इंच का ट्यूबलेस टायर अप देखने को मिल जाती है। लेकिन बेस मॉडल में आप देखेंगे वहाँ पे आपको सीट मेटल व्हील मिलता है। बाकी इसमें कोई भी डिस्क ब्रेक वेरिएंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर आप 125 सीसी में जाएंगे तो वहाँ पे डिस्क मिलेगा, 110 सीसी में डिस्क नहीं मिलता है। स्टैंडर्ड मॉडल लेंगे तो हेलोजन लाइट मिलेगा, डिलक्स मॉडल में लेंगे तो एलईडी लाइट मिलेगा। एनालॉग मीटर देखने को मिल जाता है, ये मीटर कंसोल डिजिटल के साथ नहीं आती है, कनेक्टिविटी फीचर कोई नहीं मिलेगा। लेकिन आपको एज स्मार्ट के साथ एक स्मार्ट की मिल जाएगा जिसके 4 अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जिससे कि स्कूटर को बिना चाबी लगाए स्टार्ट कर सकते हैं, सीट को ओपन कर सकते हैं, पार्किंग में कहीं स्कूटर आपका रखा होगा तो ब्लिंकर्स ऑन हो जाएंगे बटन दबाते ही। ये सारे फीचर्स इसके की वजह से मिल जाती है। सीट के नीचे केवल 18 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जहाँ पे आप हाफ फेस हेलमेट आराम से रख सकते हैं। एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग दी गई है, यहाँ पे पीछे पेट्रोल भरवा सकते हैं। बाकी जो माइलेज है कंपनी क्लेम करती है 52 का माइलेज दे देगी, लेकिन आराम से ट्रैफिक में चलाते हैं, थोड़ा सा भीड़ भाड़ एरिया में चलाते हैं तो 45 से 48 का माइलेज आराम से मिल जाती है। बाकी इसकी जो सीट हाइट है 765 mm है, फ्यूल टैंक 3.5 लीटर है, इसका जो कर्व वेट है 105 kg है। वहीं बात करते हैं प्राइसिंग की, तो तीन वेरिएंट के साथ मिल जाती है। 110 सीसी में स्टैंडर्ड मॉडल का प्राइस 76,234 रुपीस तक है, लेकिन टॉप मॉडल के साथ जाएंगे तो 82,234 रुपीस तक इसकी एक्स रूम प्राइस चली जाती है। बाकी जो इसकी ऑनरोड प्राइस है लगभग 90,000 रुपीस से स्टार्ट होती है और 96,500 रुपए के आसपास इसकी प्राइसिंग चली जाती है। तो यहाँ पे अलग अलग वेरिएंट का अलग अलग प्राइसिंग देखने को मिल जाता है। तो ये तीन ऐसे स्कूटर्स हैं जो कि इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा बेची जाती हैं। इनमें से आपको कौन सी पसंद आई ये जरूर बताइएगा, कौन सा आप यूज करते हैं ये भी बता सकते हैं। और इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यहाँ पर मैंने केवल तीन स्कूटर्स का इसलिए वीडियो बनाया है जिससे कि आपको ज्यादा कन्फ्यूजन ना हो, आपको ये पता चल सके पूरे इंडिया में हर महीने कौन से स्कूटर ज्यादा बिक्री होती है। हालांकि इसके अलावा भी काफी सारे स्कूटर्स हैं जिसको लोग खरीदना पसंद करते हैं और अच्छे फीचर्स के साथ आती है, वो भी इससे सस्ती मिल जाती है, इससे थोड़ी सी महंगी मिलती है, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद होती है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सी स्कूटर ज्यादा माइलेज देती है, ज्यादा सस्ती कौन सी स्कूटर मिल जाती है, तो इसके ऊपर अलग अलग वीडियो बना हुआ है, तो वहाँ पे जाके चैनल पे आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई बाइक खरीदने के लिए सोच रहे होंगे 110 सीसी में, 125 सीसी में, 160 सीसी में, तो इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना हुआ है, जहाँ पे आपको जो बेस्ट स्कूटर्स हैं, जो बेस्ट बाइक है, उनका अलग से लिस्ट बना हुआ है, तो वो सारी चीज आप जाके देख सकते हैं। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।